मथुरा जीआरपी पुलिस ने शातिर अपराधियों का किया पर्दाफाश। पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा मोहम्मद मुस्ताक के निर्देशन में समय समय पर जीआरपी पुलिस के द्वारा ट्रेनों में रेलवे स्टेशनों पर आपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं अवैध तस्करी की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है, जिससे कि ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री सुरक्षित रहें। इसी क्रम में बुधवार को जीआरपी पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि मथुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 आगरा साइड बेंच पर बैठे 3 लोग संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं। यह सूचना पाकर जीआरपी पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में तीनों शातिर युवकों को धर दबोचा। जीआरपी पुलिस ने थाना लाकर सभी की तलाशी ली गई और पूछताछ की गई तो उनके कब्जे से चोरी के 6 मोबाइल फोन एवं 40,000 रुपए की नकद धनराशि बरामद की है। पकड़े गए शातिर अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र छत्रपाल निवासी सातरूप जिला भरतपुर, रमेश पुत्र अतर सिंह निवासी संतरूप जिला भरतपुर, तीसरा जितेंद्र उर्फ जीतू चौधरी पुत्र बच्चू सिंह निवासी संतरूप जिला भरतपुर के रहने वाले हैं। जीआरपी पुलिस के अनुसार तीनों युवक शातिर किस्म के युवक हैं, जो कि ट्रेनों में टिकट लेकर बैठ जाते हैं और यात्रियों को अपनी बातों के जाल में फंसा कर उनसे दोस्ती करते हैं और यात्रियों को अपने विश्वास में लेकर उनके माल पर हाथ साफ कर देते हैं और चोरी किया हुआ सामान सस्ते दामों में बेच देते हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक अपराध जितेंद्र सिंह, उप निरीक्षक प्रवीण कुमार, उप निरीक्षक सुरेश चंद्र, अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।